भगवान राम का मंदिर जहाँ बनेगा वहाँ सोचिए कि देश दुनिया के कितने साधु संत आएंगे, कितने दार्शनिक लोग आएंगे, कितने आध्यात्मिक लोग आएंगे, और वहाँ के जो लोकल क्षेत्रवासी जो वहाँ के हैं, किसी की चाय की दुकान है, किसी का होटल है, किसी का ढाबा है, ऑटो रिक्शा है, रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, ये सब इकोनॉमी कहाँ घूमेगी, वहीं घूमेगी ना इर्द गिर्द। मोदी जी ऐसा ऐसा काम कर दिया ना, ये विपक्ष वाले ना 70 साल में नहीं कर पाए, ये जो 6.5 साल में कर दिए। आज जो है ना 500 साल से श्री राम प्रभु एक मुजरिम की तरह टेंट में रहते थे, राम मंदिर 500 साल से रो रहे थे, हमारा आत्मा है श्री राम प्रभु, इस देश का आत्मा है, हमारा आदर्श है, वो श्री राम प्रभु को मंदिर के लिए हम लोग कितना रोए। वो आज देखिए योगी जी का मॉडल, आज योगी जी बोलते हैं यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक में तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में बात से जो समझ जाता तो ठीक है, नहीं तो जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। इतना जिला है, इतना खाप पंचायत है, कहाँ नया नया मंदिर कहाँ बन रहा है जरा बताइए तो। नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है, मन से ये जो विपक्षी फैला के रखा हुआ है, मंदिर 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 मंदिर, नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है, ये मन से निकाल के फेंक दीजिए। हजारों साल पुराना राम मंदिर पहले से बना हुआ था, 800 साल आए मुगल उसको तोड़े, उसको अपना स्टैम्प मारे, अपना नाम दिए और एक एक ईंट गायब कर दिए थे, 800 साल मुगल, उसके बाद 200 साल अंग्रेज, उसको वापस लाना है भारत में। तो ये जो है ना मोदी की सरकार ही 56 इंची कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। राहुल के बस की नहीं। राहुल कहाँ, अरे वो तो राहुल जी का क्या नाम ले रहे बताओ, कुछ नहीं, वो पप्पू है, वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर कोई भाई इंडिया में कर सकता है तो मोदी और योगी ही कर सकता है। क्या लगता है अगर कांग्रेस होती तो राम मंदिर बनता? मैडम कैसी बातें कर रही हैं, अरे क्या बात कर रही हैं, 26 वकील खड़े करे उन्होंने मूर्खों ने। लोगों का कहना है कि क्या राम मंदिर बनने से क्या वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको क्या मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, राम मंदिर, भगवान श्री राम का मंदिर वहाँ बना, मैं वहाँ बराबर जाते रहता हूँ, कोई एक आध बार जाएगा, हम लोगों का घर भी उधर ही है। तो भगवान राम का मंदिर जहाँ बनेगा वहाँ सोचिए कि देश दुनिया के कितने साधु संत आएंगे, कितने दार्शनिक लोग आएंगे, कितने आध्यात्मिक लोग आएंगे, और वहाँ के जो लोकल क्षेत्रवासी जो वहाँ के हैं, भाई किसी की चाय की दुकान है, किसी का होटल है, किसी का ढाबा है, ऑटो रिक्शा है, रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, ये सब इकोनॉमी कहाँ घूमेगी, वहीं घूमेगी ना इर्द गिर्द। क्या लगता है आपको जो राम मंदिर है उसकी आड़े ही मोदी जी 2024 में एक तरह से लाइमलाइट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, या सच में उनका फोकस राम मंदिर को लेकर? देखिए ये तो विपक्ष पार्टी वाला ऐसा माने हवा फैला दिए हैं कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े हैं। लेकिन आज का आवाम जो है यहाँ भारत का जाग चुका है, सभी को पता है कौन राजा है और कौन जो है भ्रष्ट है, कौन चोर है, कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है, सबको पता है। मोदी जी ऐसा ऐसा काम कर दिया ना कि विपक्ष वाले ना 70 साल में नहीं कर पाए, ये जो 6.5 साल में कर दिए, खेल खेल में 370 हटा दिए। आज जो है ना 500 साल से श्री राम प्रभु एक मुजरिम की तरह टेंट में रहते थे, आज जो है ना एक इंची भी त्रिपाल बदलनी होती थी ना तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता था, तो वो जो है ना खेल खेल में मंदिर बना दिए। और आए विपक्षी बोलते हैं कि मोदी जी ने बनाए, तो सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ ये कपिल सिब्बल जी कहते थे कि ये राम मंदिर का केस मत खुलवाओ, और अगर ये इसको पेंडिंग रखो, अगर ये खुल जाएगा तो आने वाला चुनाव प्रभावित होगा, ये कपिल सिब्बल जी कहते थे, और जिस दिन मंदिर बन जाएगा उस दिन आत्मदाह करूंगा, अभी जाके काहे नहीं करते आत्मदाह। तो ये जो है ना राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट में पेच फंस रहा था, कांग्रेस वाले फंसा रहे थे, 25 वकील की फौज खड़ा कर दिए राम मंदिर के अगेंस्ट में, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। उसके बाद में राम सेतु को काल्पनिक कहें, ये सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी का सर्वे सर्वा है, ये कहती थी कि राम डज नॉट एग्जिस्ट। आज देखिए मोदी की सरकार में 6.5 साल हुआ, 6.5 साल के अंदर में सुप्रीम कोर्ट में जहाँ जहाँ पेच फंस रहा था वहाँ जाके नट बोल्ट टाइट किए, जहाँ ग्रीस जरूरत था, जहाँ मोबिल जरूरत था वहाँ मोबिल दिए, ग्रीस दिए, जहाँ रिपेयरिंग जरूरत था वहाँ रिपेयरिंग किए, और जहाँ पर जिसका कान मोड़ना था वहाँ कान मोड़ने का काम किए। राम मंदिर 500 साल से रो रहे थे, हमारा आत्मा है श्री राम प्रभु, इस देश का आत्मा है, हमारा आदर्श है, वो श्री राम प्रभु को मंदिर के लिए हम लोग कितना रोए। अयोध्या धाम में करोड़ों हिंदुओं का हत्या हुआ, वहाँ करोड़ों हिंदुओं, करोड़ों संख्या गिनी है, एक एक इंची ना रक्त का, रक्त से ना राम भक्त का रक्त से ना वहाँ अयोध्या धाम सींचा हुआ, अयोध्या धाम का जो सरजू नदी है वो राम भक्तों का खून से लाल हो गया था। मुलायम सिंह यादव 1992 में गोली चलवा दिए थे, राम का नाम लेना वहाँ दुभर हो गया था, तर तर गोली चलती थी वहाँ, जो है ना बात बात में आदमी को उठा लिया जाता था, दबंगई चलता था वहाँ, गुंडागर्दी,
गुंडागिरी बोलते हैं, वो आज देखिए योगी जी का मॉडल। आज योगी जी बोलते हैं यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक में तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में, बात से जो समझ जाता तो ठीक है, नहीं तो जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। और ये भगवाधारी ड्रेस पहनते हैं, भगवा ड्रेस पहनते हैं साथ योगी जी, बोलते भगवाधारी समझ करके, भगवाधारी देख करके सीधा साधा संत मत समझना, मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं गुंडा गुंडा और माफियाओं को जी। तो ये है योगी मॉडल। तो आज 500 साल बाद हमारा जो आत्मा जो है ना, हिंदुस्तान का जितना 140 करोड़ आवाम है, उनका आत्मा जो है ना, उनका हृदय में फिट करने का काम ये मोदी सरकार द्वारा किया गया। तो ये काम कैसे नहीं हुआ, खेल खेल में 370 हटा दिए, बम बारूद वहाँ से पाकिस्तानी लोग आते थे आतंकवादी, यहाँ भारत का हिंदुस्तान का आवाम को मार करके जाते थे, यहाँ सबको बम फोड़ के जाते थे। आज जो है ना वो कांग्रेस के सरकार में जो है ना उनकी हाथ बंधी हुई थी, अगर कोई आतंकवादी 500 रुपया देकर दिहाड़ी में पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में, हमारे हिंदुस्तानी फौजियों को मार के सिर फोड़ो, हाँ 500 रुपया मिलेगा। आज जो है ना वहाँ AK-47 रहते हुए भी वो जो है ना उस पर आतंकवादी पर गोली नहीं चला पाते थे कांग्रेस के समय में, क्यों, उनको बोला गया था कि अगर गोली चलाओगे तेरे ऊपर FIR हो जाएगी, हाथ बंधी हुई थी। आज मोदी की सरकार हाथ खोल दिए, कोई आतंकवादी घुसता है, कोई बम फोड़ता है, कोई उलझुल काम करता है बॉर्डर पर, वहीं ठोक दो। तो ये है मोदी की सरकार। लेकिन वही कहते हैं कि राम मंदिर बना दिया, इससे अच्छा तो वहाँ कोई यूनिवर्सिटी बना देते, हॉस्पिटल बना देते, क्या ऐसा करने से वहाँ के लोगों को रोजगार मिल। मैं पूछता हूँ आपसे, आज 500 साल बाद ये मंदिर मैंने बनाने का काम चल रहा है, अच्छा आज मैं आपसे पूछता हूँ, हिंदुस्तान में कितना स्टेट है, 28-29 स्टेट है, इतना जिला है, इतना खाप पंचायत है, कहाँ नया मंदिर कहाँ बन रहा है जरा बताइए। तो नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है, मन से ये जो विपक्षी फैला के रखा हुआ है, मंदिर 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 मंदिर, नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है, ये मन से निकाल के फेंक दीजिए। हजारों साल पुराना राम मंदिर पहले से बना हुआ था, 800 साल आए मुगल, उसको तोड़े, उसको अपना स्टैम्प मारे, अपना नाम दिए और एक एक ईंट गायब कर दिए थे। 800 साल मुगल, उसके बाद 200 साल अंग्रेज आए, हमारे संसाधन को लूटा, हमारे संस्कृति को ख़त्म किया और हमारे सब सामान जो धन संपत्ति लूट करके ब्रिटेन ले गए। बाकी उन्हीं के आदमी के द्वारा बनाया गया था, एक ह्यूम बोल के कोई व्यक्ति था अंग्रेज, उन्हीं के द्वारा बनाया गया एक कांग्रेस पार्टी है, और 140 साल पुराना पार्टी है जो कि बूढ़ी हो चुकी है, अब वो चल रही है ऐसे निहूर करके चल रही है ना, झुक के चल रही है कांग्रेस पार्टी, पैर जो है उसका कब्र में लटक चुकी है। वो कांग्रेस पार्टी 70 साल यहाँ राज किया, उनका हाथ में भी चांस दिया गया था कि भैया तुम मंदिर बनाओ, लेकिन वो मंदिर नहीं बनाए, उल्टा का किए, 25 वकील की फौज खड़ा कर दिए। और उसके बाद राम सेतु को काल्पनिक बताएं, तो ये जो है ना नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है, एक एक पत्थर को दूरबीन से खोज करके एक एक पत्थर को ढूंढ करके खोज के ला करके दूध और गंगा जल से उसको एक एक पीठ ईंटा को शुद्धिकरण करके विद्वान मंत्रों से मंत्रोच्चार करवा करके वो ईंटा को पुनः सोना में ढलवा करके वो मंदिर को पुनः निर्माण, जिसको रिपेयरिंग कह सकते हैं, इंग्लिश में रिनोवेटेड कहते हैं, या फिर उसको मरम्मत कह सकते हैं, उसको फिर से मरम्मत करके बनाने का, उद्धार करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। वो भी कब कर रही है, हमारा 140 करोड़ आवाम उनको वोट देकर के जिताया, उनको गद्दी में बिठाया है, तब अभी उनसे और भी बहुत सारा काम करवाना है, 4 काम और करवाना है जो कि फिर से उनको बहुत मत से जिताएंगे मोदी की सरकार। अयोध्या धाम तो हो गया, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है मथुरा, उसके बाद ये काशी विश्वनाथ, उसके बाद जो है हमारा ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो दे दिए थे कैलाश मानसरोवर, वो भी वापस लाना है चाइना को जो दे दिए थे, उसके बाद 1947 में हमारा आत्मा को दे दिए हैं पाकिस्तान को, ननकाना साहिब, वो उसको वापस लाना है भारत में। तो ये जो है ना मोदी की सरकार ही 56 इंची कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, राहुल के बस की नहीं। राहुल कहाँ, अरे वो तो राहुल जी का क्या नाम ले रहे बताओ, ये कौन, लोग कहते हैं कि राहुल के अंदर तो बहुत सारे कुछ करने के, कुछ नहीं, वो पप्पू है, वो कुछ नहीं कर सकता है, अगर कोई भाई इंडिया में कर सकता है तो मोदी और योगी ही कर सकता है। उनको तो मोदी जी को तो अनपढ़ माना जाता है ना, पढ़े लिखे तो राहुल। अरे भाई साहब किनका आया है, नाम लेने में मेरे को शर्म लग रही है, आप पप्पू का नाम ले रहे हो बताओ, वो पढ़े लिखे है, वो अगर पढ़े लिखे तो हमारे भारत का बदनामी नहीं करते जाके विदेश में, वो हमारे खाते इंडिया के लिए बदनाम करते हैं वहाँ पे जाके। भारत माता को कहते हैं, कौन सी भारत माता, भारत माता है
क्योंकि तो यही नहीं पता भारत माता। अरे वो तो इटली से है, उनको क्या पता रहेगा, वो इंडियन तो है नहीं ना। हम लोग इंडियन, हम लोग जानते हैं कि भारत माता कौन है, धरती माँ हमारी माँ है, भारत माता माँ, हम लोग पूछते हैं उनको। क्या लगता है अगर कांग्रेस होती तो राम मंदिर बन पाता? मैडम कैसी बातें कर रहे हैं आप, अरे क्या बात कर रही है, 26 वकील खड़े करे उन्होंने मूर्खों ने कि राम नहीं है, राम ने हमारे चमत्कार दिखाया उसी वक्त ही, क्या दिखाया वो राम सेतु दिखा दिया, पहले नहीं दिखता था ना वो, पहले नहीं दिखता था अब दिख गया। अरे ये राम मंदिर के, राम को सपोर्ट करने वाले नहीं है ये, क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करने वाले हैं, मुसलमान है ये लोग, ये भारत का भी भला नहीं कर सकते। आप अभी कह रही थी ईडी की बात कर रही थी, शाहबानो केस को क्या हुआ था, शाहबानो केस कहाँ से आया था, कोर्ट से हो गया था ना, पारित हो गया था ना, उनके सपोर्ट में आ गया था, तो राजीव गांधी ने क्या किया, बिल्कुल कोर्ट के खिलाफ जाके बातें करी। वक्फ बोर्ड किसने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने, तो मोदी जी कानून को साथ में लेके चलते हैं, समझ रहे हैं आप। ये बस बस अंग्रेजों ने दो कानून बनाए थे और इस कांग्रेस ने 33 कानून और बनाए हमारे हिंदू मंदिरों, हिंदू मठों के, हिंदुओं के अगेंस्ट में, तो कांग्रेस इस देश के लिए बर्बादी के, नेहरू जो है ना, नेहरू खानदान हमारे देश की बर्बादी के लिए आया था, और ये जवाहरलाल जो ये राहुल गांधी है नेहरू के गांधी के नेहरू के पापों के प्रयासचित में रूप में पैदा हुआ है और कांग्रेस को ख़त्म करके रखेगा। हाँ ये कांग्रेस को ख़त्म कर दिया, और कांग्रेस ख़त्म हो जानी चाहिए, ये लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस नहीं है, पटेल की कांग्रेस नहीं है, खत्म करोगे 440 पे आएगी आप, हाँ, वही 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 खत्म हो जाएगी। राहुल वो तो अभी भी हार मान के नहीं बैठे, मत मानने दो ना, वही अकेले भी रहेगा तभी हाथ मत मानने दो, बोलते रहते हैं उसे, कोई बात नहीं।